Hello everyone, I'm Krupa and I'm here to teach you how you can speak in English in your day-to-day life. आप सबको पता ही है कि आजकल हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है. लोग अपनी बातचीत में इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते ही करते हैं, तो हमें भी कभी कभी फील होता है कि हमें भी इंग्लिश बोलना है, इनके जैसा अच्छे से इंग्लिश बोलना आना चाहिए हमें भी. हमें वो लोग जो बोलते हैं वो समझ में तो आ जाता है पर हम लोग बोल नहीं पाते हैं. ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ ऐसे हिंदी वर्ड्स होते हैं जिनका हमें इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होगा वो पता नहीं होता है, या तो फिर अगर वर्ड्स हमें सारे पता भी है तो हम इस सेंटेंस को पूरा इंग्लिश में कैसे फॉर्मेट करें वो नहीं आता है. हम लोग ये सारे वीडियोस में इंग्लिश कैसे बोलना है अपनी डे टू डे लाइफ में वो सीखेंगे. और क्या सीखेंगे कि हम लोगों को कुछ नए नए वर्ड्स वोकेबुलरी जो इंग्लिश वोकेबुलरी बोलते हैं वो हम लोग उसका दो दो चार चार वर्ड्स हम लोग रोज़ नए सीखेंगे ताकि हमें भी कुछ न्यू वर्ड्स सीखने मिले जानने मिले. मैं बता दूं कि ये वीडियो स्किन के लिए बहुत यूज़फुल साबित हो सकते हैं. तो वो लोग जो जॉब सीकर्स हैं, मतलब कि जिनको जो नए जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो लोग इंटरव्यू में अपना अच्छा इम्प्रेशन जमाने के लिए इंग्लिश बोल सकते हैं. हाउसवाइफ भी कभी कभी सोचती है कि हमें भी अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में अगर बात करें तो वो लोग भी सीख जाएंगे इंग्लिश. तो उनके लिए भी ये जो वीडियोस है वो बहुत यूज़फुल साबित हो सकते हैं. फिर जो पेरेंट्स अपने टीनेजर्स बच्चों के साथ बातचीत करना चाहते हैं कि उनके लेवल तक वो उनके लेवल पे वो लोग बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि टीनेजर्स ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज बोलना और सुनना पसंद करते हैं, तो वो लोग वो पेरेंट्स भी सीख सकते हैं. और वो सारे लोग जो बोलना चाहते हैं इंग्लिश पर बोल नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ सेंटेंसेस बोलूँगी हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इसका अगर ये हिंदी है तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है. आप ये सारे सेंटेंसेस जो है वो आफ्टर मी यू कैन रिपीट इट, या तो फिर आप एक बुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि क्या होगा कि आप रिविजन भी करते जाए. आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलूँगी जो हम लोग रोज़ शायद यूज़ करते हैं, या तो फिर अभी ठंड का मौसम है तो ठंडी में हम लोग ये शायद ज़्यादातर यूज़ करते ही होंगे ये सेंटेंसेस. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला सेंटेंस है, सर्दियों में सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल है. तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन विंटर्स. ये सेंटेंस हम अपने हस्बैंड्स से, या तो फिर अगर अनमैरिड हो तो अपने पापा से हमेशा सुनते रहते हैं. मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है. तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर द ऑफिस. सुहाना प्लीज़ मेरे कपड़े इस्त्री कर दो. तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सुहाना प्लीज़ आई